भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, सदैव 100 से गुणा करते हैं। सदैव 100 से गुणा करते हैं, हाँ ठीक उसी का उल्टा है। जैसे एग्जाम्पल में लिया हम लोगों ने, अगर कोई भिन्न है 1/2 और इसको बदलना है आपको परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो एक गुणनफल कितना आएगा, हम लोगों ने गुणा में पढ़ाया भी था कि भिन्न का गुणा करते समय इसका बटा कुछ नहीं दिया होगा, उसका बटा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। 1 और अंश हर से कट जाता है, गुणे में होना चाहिए, किसी का अंश किसी के हर से कट सकता है। 2 से काटा 2 × 1 = 2, यहाँ काटा 2 × 5 = 10, लड्डू बचा लड्डू चढ़ा दिया, तो कितना बचा 50%। ठीक, अब 1/4 को अगर परसेंट बदलना है तो फिर गुणे 100, 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8, 2 बचा 10, कितना 20 बचा, 4×5 = 25%। बस ये लॉजिक समझिएगा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, सदैव 100 से गुणा। अगर 1/6 होता तब क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, ये होगा 50/3, इसको लिखेंगे 16/2/3%। याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा पूछता है एक ये ठीक। 1/3 को यदि भिन्न में परसेंट में बदलना है तो गुणे क्या करेंगे, 100, तो कितना हो जाएगा 100/3, तो ऐसे बदलेंगे मिश्र भिन्न में 33/1/3%। क्या ये भाग देते हैं, हमको याद ऐसे लिख देते हैं, आप इसे चार्ट भेज दिए, आप लोग याद कर डालिए, इसको भाग देंगे, हम भिन्न में पढ़ाए हैं आपको, 100 में भाग देंगे, 3 गया 9 1 बचा, फिर 0 हुआ, फिर 3 गया, तो जितनी बार जाएगा यहाँ लिखेंगे, शेष ऊपर लिखेंगे, जिससे भागेंगे नीचे, कि भिन्न में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब 2/3 को यदि बदलना हुआ परसेंटेज में, गुणे 100 किया तो हो जाएगा 200/3%, फिर इसे बदलेंगे मिश्र भिन्न में, संयुक्त भिन्न में 66/2/3, इसको लिखते चलिए साथ ही साथ, तब क्वेश्चन बोले। एक आप लोग भी देख लीजिए, लिख लीजिएगा, आगे बढ़िए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन लिखिएगा जो कुछ हम बोल रहे हैं। 1/2 को परसेंटेज बदले, 1/2 को प्रतिशत में बदले, नीचे लिखिएगा 2/5 को प्रतिशत में बदले, 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 अब कैसे लगे बताइए। देखिए हमने भिन्न में ही सीख लिया था, हमने बताया था कि जैसे अगर a/b है, इसे हम लिख सकते हैं a/b, और इसे ही लिख सकते हैं a/b, बस
से लिखेंगे एन बाद बी को ए बटा बी लिख देंगे तो भिन्न क्या हो गया, भिन्न पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम एन बाद बी, तो है एक अनुपात दो को लिख सकते हैं, एक बटा दो भिन्न बन गई, इसे बदलना परसेंट में, परसेंटेज में सौ कर दिया, पचास प्रतिशत। ठीक, कारण है उसका ना, जैसे ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटा बी, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है ए डिवाइडेड बाई बी, तो हमने लिखा एक अनुपात दो को किससे बदलना है, परसेंटेज में लिखेंगे एक बटा दो, ये भिन्न हो गया, किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए सदैव सबसे गुणा करते हैं, काट दिया पचास, पचास परसेंट। ठीक, दो अनुपात पांच को बदलना है, दो बटे पांच गुणे सौ, पांच से कटेगा बीस, दो गुणे बीस चालीस प्रतिशत, हो गया समझ में आया, क्योंकि आजकल नया ये ट्रेंड नया पूछेगा, अच्छा समझ नहीं पाते करना क्या इसमें, ये बातें बी को। ठीक, चलिए चालीस को प्रतिशत में बदले, चालीस को प्रतिशत में बदले, जिससे पूछेंगे इसका जवाब वही देगा, जो आप कई दिन बाद आगे से पूछेंगे। अरे पहले हंस देंगे तो थोड़ी सोचिए, आप बताए कितना आया, देखिए मैंने एक दिन और बताया था, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर इसे भिन्न में नहीं दिया है तो उसका हर एक मानेंगे 40 बटा एक, और भिन्न में बदलना हुआ मतलब वो भिन्न हो गया, 40 बटा एक कर लिया क्या हो जाएगा भिन्न, और क्या रहा है उसे पसंद है मतलब गुणे 100 कर देंगे। ठीक, तो जिसका बटा कुछ नहीं दिया तो उसका बटा एक, और प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है पहले से। ठीक, ये नोट कर लीजिए, इस तरह कभी का प्रश्न उलझा के पूछे, कभी रेयर क्वेश्चन, किसी किसी कंडीशन अगर पूछ लेता है तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या हमने पढ़ा था ए बटे बी के रूप में व्यक्त किया जा सके, प्रत्येक परिमेय संख्या एक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, 17 बटा ले सकते हैं। ठीक, जिसका हर कुछ नहीं दिया उसका हर सदैव एक मानते हैं, अब कोई धनात्मक चिन्ह नहीं दिया उसको धनात्मक मानते हैं सदैव। चलिए आगे लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए, अगर विकल्प में आपको 4000 दिया तो सही है अथवा इसमें से कोई नहीं होगा, 4000 ही है, क्यों, 40 को भिन्न बदल लेंगे 40 बटा एक, इसे कह रहे हैं परसेंटेज बदलो, 100 से गुणा कर देंगे, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन, ये रेयर कैसे पूछते हैं, वैसे आजकल जो नया ट्रेंड पूछने का ये वाला क्वेश्चन को टफ नहीं करेगा कि अनुपात में बदल लेंगे, वैसे कहेंगे अनुपात भी का मान निकालिए। चलिए आगे लिखिएगा, अब थोड़ा सिंपल सिंपल करके दबा के बैठे, 700 का 5% कितना होगा, 35 देख लेते हैं कैसे 35 हुआ, करा 400 कितना 700 5% कितना होगा, जैसे कह रहे वैसे लिख दे, कल मैंने बताया था का को पहले काट दो, ता करियो का भाग गुणा करे धन जोड़ दो अंत में लिया बेटा, बहुत मास ब्रैकेट और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, 700 का 700 लिख दीजिए, का माने
जिस पद या अक्षर के बगल में दाएं तरफ परसेंटेज का चिन्ह उसका बटा सदैव 100 लिखते हैं। ठीक, लिखेंगे 5/2 उसका डिग्री, तो कितना होगा 7×5। ठीक, आगे लिखेगा एक संख्या का 5% 35 है, एक संख्या का 5% 35 है, एक संख्या का 5% 35 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 5% 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, एक संख्या का 5% 35 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे लगा बताएं अंतिमा जी, कैसे लगा, कैसे लगा बताइए, सासु कैसे आया, कैसे आएगा बताइए, हम भी लगाइए, हम भी बताएं। असद अली क्वेश्चन वही बोले इसलिए आप उत्तर भी बता दिए। हाँ ठीक, हाँ कैसे निकालेंगे बताएं। अच्छा आपका नाम अंतिमा है, क्यों दो लोग अंतिमा, एक लोग जिससे पूछे अगर वो जवाब देता बढ़िया था कि हम समझ रहे थे क्यों पूछ रहे थे, और उनको भी पता था क्यों पूछ रहे थे कि आंसर वही पता था, 700 आया किसी को, कैसे आया, कुछ नहीं दिया, पहले तो ये मान लेंगे माना संख्या x, x का 5%, x का 5% माने 5/100 कितना है, इधर बटे उधर गए गुणे, x बराबर 35×100/5 से काटेंगे 5×7 × 100/7। अभी इसी पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, इसको समझते हुए चलिए। एक संख्या का 6% 72 है, एक संख्या का 6% 72 है, तो उस संख्या का 22% क्या हो, तो उसी संख्या का 22% क्या होगा, तो उसी संख्या का 22% क्या होगा, प्रश्न क्या दिया था, एक संख्या का 6% कितना है, 72 है, तो मान संख्या क्या है, मान संख्या x है, तो x का 6% गुणे 6/100 = 72। ठीक, अब इसी में कुछ और क्या है, उस संख्या का तो अब निकालेंगे x की वैल्यू, माने वह संख्या निकलेगी, और इसका रहा 22% गुणे का 22% का माने गुणा 22% माने 22/100। ठीक, समझ में आ रहा है, कैसे आया। अब यदि दोनों बराबर के इधर और उधर सभी पद गुणे में हो तो अंश अंश से हर हर से कट जाए। ठीक, जब गुणे में हो दोनों तरफ के पद बराबर के तो अंश अंश से हर हर से कट जाता है, 100-100 से कैंसिल। ठीक, 6 × 6 फिर यहां काटेंगे 6 × 6 = 12, फिर x बराबर क्या बता 12×22, तो 12×24 के 4 हाथ लगा दो, 12×24 = 2 = 26, 264 एक लाइन में खत्म। ठीक, अगले ट्रिक भी सीखते चलिए, बेसिक ही मत सीखिए। एक लाइन में लग जाएगा, वैसे नहीं तो एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर 22% निकालेंगे, समय ज्यादा लगेगा। ठीक, चलिए लिखेगा, आप बताइए एक संख्या का कितना परसेंट, कोई बताए, क्वेश्चन बनाए, एक संख्या का क्या परसेंट,
एक संख्या का 88%, एक संख्या का 88% 8833 है, 8888 लिख लीजिए, 88, तो उस संख्या का 22% कितना होगा? 22% कितना होगा? 88% माना 88/100 कितना है? 8888 का कितना निकल रहा है? 22/100 से कैंसिल, 22 के 22, 22 चौक 88, 4 से काटेंगे, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, यक्ष बराबर 2200 ऐसा प्रश्न बोला आपने, उसे उत्तर हमने बता दिया। तो जैसे काटे उसको बता दीजिए, काटना नहीं है। चाकू लेके घर से तो सर वही सोच रहे तो उसी प्रॉब्लम होती है। देखिए चाकू अगर ना कट रहा, चाकू में धार लगा लीजिए। देखिए हमने क्या माना था, पहले संख्या यक्ष थी, यक्ष से कितना प्रश्न माना? 88% और 88/100 कितना था? 8888। अब अगर इतना साल में करते तो यक्ष का मान कौन संख्या पर कह रहा है उसका 22%, तो उसी समय लगा देते हैं 22%। तो का 22% माने गुणे 22/100, जब गुणे में होता तो अंश अंश और हर हर से कट जाता, 100 100 से कैंसिल खत्म, दो लड्डू से खत्म। अब 22 का पहाड़ अगर आपको याद है, ठीक है, नहीं याद है तो 11 2 22, 11 2 1 2 2 4, फिर 4 इसको काटेंगे, 4 2 8, फिर 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, यक्ष बराबर 1 2 2 2, 3 2 4, 2222। इसीलिए समझा रहे कि समय बच जाए आपका, आप एक साथ ना करिए, 3 4 7 में लगे, एक बार एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू जो आएगी फिर उसे फिर उसका 22% निकाले। जब काने पकड़ना है ऐसा पकड़ ले, क्या करे घूम जाके पकड़ना है, ट्रिक भी सीखते रहिए ना साथ ही साथ। आगे बढ़े, अब समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और बोल देंगे। जी बताएं, एक संख्या का 19% 3638 है, कितना बोल रहे हैं हम संख्या? 3648 है, तो उस संख्या का 140% कितना होगा? तो उस संख्या का 140% कितना होगा? तो उस संख्या का 140% कितना होगा?
कैसे है? जल्दी कैसे करेंगे? क्या कर रहे हैं? एक संख्या का माना संख्या यक्ष था, यक्ष का 19% 3648, ठीक, तो उसी संख्या का 140% 40/100 100 से कैंसिल हो गया, 19 का पहाड़ा पड़ेंगे 19 फिर पड़ेंगे 19 का 19, ठीक, कितना बचेगा? 17 में जोड़ेंगे 174 19 9 171 बचेगा 3 19 2 38, ठीक। अब बचेगा यक्ष बराबर 192 × 140, यक्ष बराबर, जब 140 गुणा करना, लड्डू छोड़ दीजिए, पहले गुणा करिए 14 × 28 = 8, हाथ लगा 2, फिर 14 × 9 = 126 126 + 2 = 128 = 8, फिर हाथ लगा कितना 12, 14 × 14 = 12 = 26, लड्डू बजा था, लड्डू चढ़ा दीजिए 26880 है था ना, 12 × 2 = 14 कैसे गुणा करते हैं? बड़ा समझ में आया? पहाड़ा वाला याद करना पड़ता है, 100 तक तब जाके होगा, या तो करते चाकू लेकर आइए काटने के लिए, तब हो पाएगा। ऊपर लिखा गया आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया जाए, बस यही इसे पढ़ते रहेंगे साल दो साल तक, चेंज किया जाए। हाँ देखिए मतलब समझ में आ गया, इससे ये प्रमाण मिलता है कि आपको समझ में आ गया तब भी हुई। सात सौ का पांच ऐसे लिखेंगे, 700 का 5% धन 800 का 20% बराबर यक्ष 2100 का यक्ष प्रतिशत का मान होगा, 700 का 5% धन 800 का 20% बराबर 2100 का x% में यक्ष का मान होगा, यक्ष का मान होगा। इसको आप लगाइए तब इसको समझाएं, ठीक। अभी और थोड़ा सा बड़ा किया जाएगा, लगे कैसे भैया? सरल से कठिन तरह पढ़ेंगे ना, शिक्षण विधि की तरह, अच्छा थोड़ी हल में साल पे लगाएंगे। अभी होगा 700 का 5% माने 700 × 5/100 + 800 का 20/100 = 2100 का x/100, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले यह लड्डू से कट गया, यह लड्डू से, ठीक। 2100 का 2 लड्डू 100 के 2 लड्डू खत्म, 800 का 2 लड्डू 100 के 2 लड्डू खत्म, 700 का 2 लड्डू 100 के 5/100 लड्डू से खत्म। ऊपर बचेगा 7 × 5 = 35 + 8 × 2 = 16 = 160 बराबर 21 यक्ष, दोनों जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 195, 195 बराबर 21 यक्ष, यक्ष बराबर 195/21, ठीक। ये कट उठ रहा है, कैसे कटेगा? 3 × 9 = 14 × 15 3 × 7 = 21 फिर 3 से काटेंगे 3 × 6 = 18 3 × 5 = 15 माने 65/7 फिर इसको बदलेंगे 9 बार जाएगा 7 × 9 = 63 शेष कितना बचेगा 2 × 7 परसेंटेज यक्ष का मान इतना आएगा 65/7
आ गया। आगे बढ़ा जाए। यक्ष का साठ प्लस पांच सौ का साठ प्रतिशत कोई बात नहीं का साठ प्रतिशत बराबर आठ सौ चालीस हो तो यक्ष का मान यक्ष का 60% धन 500 का 60% बराबर 840 यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए आप लोग भी। नहीं आएगा तो हम बताएंगे ही। चलिए सॉल्व कर लिए आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और आगे। हो जाएगा यक्ष का 60% ठीक। तो यक्ष गुड़े 60 बटा प्लस 500 गुड़े 60 बटा 100 बराबर 800 जुगाड़ लगाए साल करे। देखिए एक लड्डू दो लड्डू कट गया एक लड्डू दो लड्डू कट गया तो हो जाएगा 6 गुड़े यक्ष माने 6x बटे 10 प्लस ये हो जाएगा 500 गुड़े 6 बटे 10 बराबर 800 हर समान है जोड़ दिया 10 हो गया हर समान है तो 6x प्लस 5x 30 बस दो लड्डू बच्चा चढ़ा दिए बराबर 800 ये बटे में उधर गया गुड़े में तो 6x बराबर 6x प्लस 3000 बराबर 840 गुड़े 10 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में तो 6x बराबर ये हो जाएगा 8400 एक लड्डू बढ़ जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3000 फिर 6x बराबर घटेगा कितना हो जाएगा 5400 फिर यक्ष बराबर 5400 बटे 6 6 9 54 900 फिर यक्ष बराबर 900 उसको लगा लीजिए देख लीजिए समझ लीजिए पूरा। हमने क्या किया यक्ष का 60% प्लस यक्ष का 60% मतलब 560% बराबर 840 था। फिर हमने क्या किया जो यक्ष यक्ष गुड़े 60 बटा 100 था उसको एक लड्डू काट दिया तो कर दिया 6 बटे 10 उधर कर दिया 500 गुड़े 6 बटे 10 बराबर 840 ठीक। फिर क्या हो गया दोनों का समान हो गया भिन्न बन गया 10 ले लिए फिर बनेगा 6 गुड़े 6x 500 गुड़े 6 तो 3000 बराबर 8400 ठीक। फिर दोनों को जोड़ दिए 6x प्लस 3000 बटे 10 बराबर 840। फिर हमने क्या किया फिर आगे क्या किया फिर एक कदम और आगे बढ़े जो 10 बटे में था उधर चला गया गुड़े में तो 840 गुड़े 10 इधर क्या हो जाएगा 6x प्लस 3000 फिर उधर करेंगे 8400 हो जाएगा 3000 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में तो 6x बराबर कितना हो गया 5400 x बराबर 5400 बटे 6 बराबर 900 x का मान आएगा 900 ठीक। समझ में आ गया थोड़ा सा बड़ा लगा ये क्वेश्चन क्योंकि धीरे 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 क्या होगा कठिनाइयों के दौर शुरू होगा जब कठिनाइयों का दौर शुरू होगा तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती जाएगी। शायद आपको समझ में आ गया इसकी स्क्रीन शॉट रख लीजिएगा फिर सॉल्व करिएगा एक से दो बार और काटने वाला सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसलिए पहले ही पढ़ा दिया था काटना क्योंकि हम पहले बता दिए थे कि पूरी गणित हमारे काटने पर चलती है रूल ऑफ विभाज्यता का नियम कहावत भी कही गई है कैसे जो जागत है सो पावत है जो सोवत है वो खोवत है इसलिए पढ़ाई की जो रेस होती है वो लगातार होती है ये नहीं बीच में आराम कर लो। बहुत सारे लोग होते हैं कि भी आराम करो जब परीक्षा आएगी तब भरेंगे तो उस समय सब पढ़ते हैं वास्तव में अंतिम सफल वही होते हैं जिनकी लगातार मेहनत होती है कि उठा के दे इतिहास गवाया से नहीं जब से कंपटीशन का दौर शुरू हुआ है
और हमारे यहाँ का एक रूल होता है कि आदमी फॉर्म भर लेता है, एडमिट कार्ड आने की आ जाता है, जट नज़दीक हो जाता है, तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आज ही बेरोजगारी का आलम यही बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि पढ़ाई सतत रूप से होती है, एक दिन की पढ़ाई नहीं होती। उस समय तो आदमी रिविजन करता है, समझ में नहीं आता पढ़े क्या, इसलिए पढ़ाई लगातार होती है, लगातार पढ़ते रहिएगा और तब तक पढ़ेगा जब तक सफल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सफलता के जो ताले हैं किस चाबी से खुल जाएं, आप अपने जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा, होना न होना तो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है, अन्य किसी बात पर नहीं। यदि आपके कर्म में कोई कमी रह गई, आखिर जो चीज़ अभी आप पढ़ ले रहे हैं, अगली बार आपको रिविजन करना होगा। अब सोचिए जो एग्जाम के एक महीना पढ़ने के लिए निकलेगा, वो जितने दिन में गणित सीखना चाहेगा उतने परीक्षा खत्म हो जाएगी। अब आप जितनी बार चाहें सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए आप हमेशा प्लस में रहेंगे। जब वो पढ़ना शुरू करेंगे उतनी चीज़ आप जानते रहेंगे, वो बैठ के रट्टा मारेंगे और रिविजन करेंगे और परीक्षा के लिए रात भर पढ़ेंगे और आराम से अच्छे से सोएंगे, कल परीक्षा है। यह अंतर होता है। लोग कहते हैं ना सफल व्यक्ति और सफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है, बस एक छोटा सा माइनर अंतर होता है, पढ़ते सब इन दोनों को पढ़ने का तरीका ही होता है। अब सब विश्वास नहीं करेगा कि एक दिन में हम किताब उठाते हैं न आते, बस ये पता है गणित पढ़ानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेते हैं, बार पढ़ा लिए। अगर यही होता कि नहीं पढ़ा के आना सुबह, तो देख के ये किसी दिन अगर सो गए लेट उठे तो पता चला उस दिन कैसे पढ़ाएंगे। इसीलिए यही काम मेरे साथ भी होता है। अगर मेरी आदत ये होती कि पढ़ के जाऊँगा तब पढ़ाऊँगा, तो कई क्लासेस मेरी मिस हो जाती है। रात को 2 बजे तक काम किया, सोया, फिर सुबह 6 बजे उठा, फिर आ गया क्लास में, और क्लास में पता चला नहीं पढ़ पाया, अब पढ़ाऊँगा क्या, खाक पढ़ाऊँगा। तो वही हाल होगा किताब से, देखिए देख देख के बोलिए ठीक। इसीलिए आपसे हम कहते हैं हर बार कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, मैं चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसे वाचता हूँ, इसलिए आप लोग भी इसे वाचन करना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़े, हाँ जी, एक क्वेश्चन दे रहा है, उसका आंसर जिससे पूछेंगे वही बताएगा, लगाइएगा सब। 0.5% धन 60 का यक्ष प्रतिशत बराबर 720 को सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद टॉपिक चेंज कर दिया जाए। आज के लिए इतना बहुत है। ये देखिए कैसे लगेगा, ये इसको बदलेंगे किसमें, कैसे बदलेंगे इसको बताइए। ये हो जाएगा पहले 5/10% ठीक, एक इसके जिसके पद अच्छा बगल में परसेंट चिन्ह लग जाए उसका बटा क्या लिखेंगे 100। ये 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, 1/2 होता, 1/2 को 100 होता ठीक। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, 1/2 × 100 हो गया, 1/2 × 100 1/200 क्या हो जाएगा, 1/200 + 60 का x/100 बराबर 720 ठीक। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 200, यहाँ लिखेंगे 1 धन, ये हो जाएगा 100 × 1 = 100, तो हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम 60 × x को लिखेंगे 60 × x / 2 बराबर 720। फिर लिखेंगे 1 धन 6 × 12 माने 120x/2 बराबर 720। ये बटन बता जाए गुड़े में, तो 1 धन 1 धन कितना हो जाएगा 120x बराबर 720 × 2। 1+ में बता जाएगा माइनस हो जाएगा, 120x बराबर 72 × 144 3/2 फिर x − 1 फिर 120x बराबर 1 का मजा कितना हो जाएगा
एक चार तीन नौ नौ नौ, फिर यक्ष बराबर चार एक चार एक चार तीन नौ 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 बटे पहले इसको चेंज कर लीजिए, तो क्रम से चेंज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यहीं पहले चेंज कर लिया तब आगे साल, क्योंकि जिसके बगल में परसेंट चिन्ह लग गया तो उसका बटा सौ हो जाता है। हम इसको ऐसे भी सकते थे, ठीक है, एक तरीके से और सकते थे इसको, यहाँ पर लिखते 0.5%, ठीक, इसको लिख सकते थे 0.5 पूरे का बट्टा सौ, दशमलव खत्म करना, जीरो बढ़ा दिए, पाँच एक का पाँच, पाँच दूना दस, एक बटे दो। ठीक, देख अगले समय गलत तो नहीं हुआ ना, घटा सही है ना, देख लीजिएगा आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये आज के लिए इतना ही, आप लोग मेरे देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि एक बार समझने में आसानी हो जाए आपको। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए इसके आगे कल पढ़ेंगे, इसमें कल अब सवाल लगाएंगे, छोटे छोटे सवाल लगाएंगे, उसके बाद अगला अध्याय शुरू होगा, कल 7% खत्म भी हो जाएगा आपके सीटेट के दृष्टिकोण से।